हेलो गाइज, तो फाइनली मैंने जो है सत्य प्रेम की कथा मूवी को जो है देख लिया और ये मूवी जो है मुझे कैसा लगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही आप ये भी डिसाइड करोगे कि जो है आपको ये मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो गाइज जो है इसका रिव्यू करूं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मूवी के बारे में ए टू जेड। तो गाइज जो है इस मूवी की शुरुआत होती है एक गुज्जू नाम के लड़के से, जो जिसका उम्र जो है 16 से 18 साल के बीच में होता है और वो लड़का अपने परिवार के नज़रों में जो है बिल्कुल लूजर टाइप का होता है। और गाइस जो है धीरे धीरे इस लड़के को जो है एक लड़की से जो है प्यार हो जाता है और फाइनली जो है उस लड़की के साथ जो है उसकी बात जो है शादी तक चला जाता है। लेकिन जब इस लड़के की शादी होती है तो उस समय जो है कुछ टर्न एंड ट्विस्ट आ जाता है। तो गाइस जो है क्या आता है ये तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बता दूंगा तो फिर जो है पूरी मूवी जो है आप लोगों के सामने रिवील हो जाएगी, तो ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। ये रहा कहानी आपको जो है फर्स्ट हाफ की, यानी कि जो है आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो वही आपको जो है लगेगा कि जो है इस मूवी को आप देखे हुए हैं ऑलरेडी, आपको पूरी मूवी जो है फर्स्ट हाफ जो है आपको प्रिडिक्टेबल होगा, यानी कि आप उस कहानी को जो है पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। और यहाँ तक आपको जो है ऐसा लगेगा कि जो है ये मूवी आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन रुको, जरा बताते हैं सेकेंड हाफ में क्या होता है। तो गाइस जो है उसके बाद जो है सेकेंड हाफ में जो है मूवी जब शुरू होती है तो यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो बिल्कुल जो है चेंज होता जाता है और गाइस जो है पूरी तरह जो है मूवी जो है इमोशनली जो है कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा जो है लोगों को जो है कनेक्ट करके रखता है इमोशनली, यानी कि जो है सेकेंड हाफ में जो है ये मूवी जो है बहुत ही बेहतरीन लगने लगेगा और यहाँ पे आपकी कहानी हो जाती है अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि कहानी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। और गाइस जो है इस मूवी को जो है अगर आप जो है एक मैच्योर है तो आप मेच्योर्ड पर्सन है तभी आप देखना, अगर आपकी उम्र जो है 16 से 18 साल की इससे ज़्यादा है तब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसके नीचे के लड़के कुछ है ये मूवी उनके लिए नहीं है, ठीक है। और गाइस जो है इस मूवी को देखने के बाद जो है आपको एक चीज़ तो ज़रूर इसमें फील होगा कि जो है इस मूवी में गाने आपको जो है काफ़ी ज़्यादा है, कहा जाए तो लगभग 7 या 8 गाने इस मूवी में जो है आप देख सकते हैं, जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो है एक दो गाने नहीं होते तब भी जो है मूवी अच्छा होता और जो कहानी थोड़ी फास्ट हो जाती और जो है मूवी भी जो है देखने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन गाइस जो है फाइनली इसको कहा जाए तो वन टाइम आप इस मूवी को देखकर जो है एंजॉय कर सकते हो, इतना जो है मूवी इस तरह का जो है ये मूवी है, आप इस मूवी को दोबारा देख नहीं पाओगे क्योंकि वन टाइम मूवी आप देखकर ही जो है इस मूवी को काम चला सकते हो। एक बार देखोगे आपको अच्छा लगेगा, बार बार देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात बताए तो ये मूवी जो है मिला जुला कर जो है सही है और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मुझे ये मूवी जो है अच्छी लगी और आपको कैसे लगता है आप देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर देख लिए हैं तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस जो है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।